हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अंतीस फूड ट्रेजर। मैं हूं अंती अग्रवाल और आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही चटपटी रेसिपी रगड़ा पैटीज। वैसे तो ये मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में भी सब जगह मिलता है। और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो कहीं कहीं रगड़ा पैटीज मिल जाता है। सबका अपना तरीका है, इसको अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आइए फटाफट बनाते हैं। ये है मटर, वाइट मटर, जिसको मैंने रात भर पानी में सोख करके रखा था और अब मैंने इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 ग्रीन चिली और 1 इंच अदरक ऐड कर रही हूँ, ताकि अदरक और मिर्ची का टेस्ट मटर में अच्छे से घुल जाए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ताकि मटर अच्छे से फूट जाए। और अब 1 ग्लास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको बॉईल करना है। मटर बॉईल होते तब तक आलू छील लेते हैं। क्रिस्पी पैटीज बनाने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, जब हम आलू बॉईल कर रहे हैं तो उसको काट कर कुकर में नहीं डालना है, पूरा गोल आलू डालना है। अगर आप काट कर कुकर में डालेंगे तो आलू के अंदर पानी भर जाएगा और पैटीज इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। सेकेंड, गरम गरम आलू से पैटीज नहीं बनानी है, 1 घंटा बॉईल होने के बाद फ्रीज में रखना है, उसके बाद हम इसे पैटीज बनाएंगे, ताकि पैटीज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो इन 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। और इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून राइस फ्लार। टिकिया को क्रिस्पी बनाने के लिए राइस फ्लार या सूजी ऐड करें। मैदा और कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इनसे टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और पैटीज बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। पोहा और ब्रेड क्रम्स से भी इतना क्रिस्पी नहीं होगा जितना राइस फ्लावर और सूजी से होगा, तो आप सूजी या राइस फ्लावर ही यूज़ कीजिए। मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया है और बिल्कुल डो जैसा बन गया है। अब इसकी पैटीज बनाएंगे। यहाँ हम चाहे तो कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, डिफरेंट शेप दे सकते हैं पैटीज का। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो कुकीज़ कटर से डिफरेंट डिफरेंट शेप देकर बना सकते हैं, हार्ट शेप, स्टार शेप, ट्रायंगल शेप, जो आपको पसंद है कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है करना, थोड़ा थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाओ और इस तरह से पैटीज बनाना है, बहुत ही आसान है। मैंने 5 आलू लिए थे जिसकी 9 पैटीज बनी हैं। अब इन पैटीज को वापस 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखना है, उसके बाद इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी ऑयल फ्राइंग पैन में लिया है और ऑयल गर्म होने पर एक एक करके सारी पैटीज इसके अंदर रख देंगे। एक पैटी अभी भी बच गई है, सभी पैटीज थोड़ा सा एडजस्ट करके और लास्ट वाली पैटीज को थोड़ी जगह देंगे। देखिए जगह मिल गई और लास्ट वाली पैटी भी मैंने इसके अंदर रख दी है। शुरू में गैस की फ्लेम लो पर रखना है। लगभग 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, अलट पलट कर शैलो फ्राई करते रहेंगे। 10 से 12 मिनट लगेगी इन पैटीज को तैयार होने में। पैटीज बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आप एक एक करके सब बाहर निकाल लेंगे। देखिए आवाज़ सुन के पता चल रहा है ये कितनी क्रिस्पी बनी है, इसलिए जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से बनाइए। टिकिया बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी, राइस फ्लावर या सूजी ही ऐड करना है। पैटीज बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम कुकर चेक कर लेते हैं। मैंने 9 सीटी ली है, बाकी डिपेंड्स करता है मटर कैसे है, कम ज़्यादा भी लेनी पड़ सकती है। देखिए बिल्कुल मटर तैयार हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें तड़का लगाएंगे। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया है, लगभग 1 टेबल स्पून, और इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़े से प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही पकाएंगे।
देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा भुनेंगे। देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। रगड़ा पैटीज की सबकी अपनी ही रेसिपी है। कहीं जगह पर रगड़ा को सिर्फ बॉईल किया जाता है, तो कहीं जगह पर रगड़ा को सिर्फ प्याज के साथ तड़का दिया जाता है। पैटीज भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। कुछ सिर्फ नमक डालते हैं आलू के अंदर और कुछ थोड़ा बहुत मसाला डालकर बनाते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसलिए आप कहीं पर भी जाकर खाओ, चाहे बॉम्बे में, राजस्थान में या दिल्ली में, रगड़ा पैटीज बहुत ही टेस्टी लगती है। कहीं पर ये थोड़ी सी खट्टी मीठी और कहीं थोड़ी स्पाइसी बनती है। तो जैसा आपको पसंद है वैसे बनाइए, पर एक बार बनाकर जरूर खाइएगा। देखिए हमारे मसाला बिल्कुल भूनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो बॉईल किए हुए मटर है वो ऐड करेंगे। मटर को एक बार अच्छे से मैश करना है। अब इसमें ऐड करना है 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला बहुत जरूरी है, स्किप नहीं करना है। अब ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट इसको पकने देंगे। देखिए रगड़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। यहां मैंने कुछ तैयारियां कर ली हैं, जैसे ममरा है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, प्याज है, सेव है, 3 तरह की चटनियां हैं जिसमें है इमली, लहसुन और पुदीने की, कुछ मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला, किसा हुआ मैंगो है, बारीक कटा हुआ प्याज है और पैटीज है। आपने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को देखा होगा, एक बड़े से तवे पे इस तरह से वो रगड़ा सेट कर लेते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि रगड़ा बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा रगड़ा साइड में निकालो, उसमें पानी ऐड करो और रगड़े की कंसिस्टेंसी काफ़ी लिक्विड रखनी है, और उसके बाद एक एक प्लेट तैयार करो। ये तरीका बहुत ही आसान है। रगड़ा जितना लिक्विड होगा टेस्ट उतना ही अच्छा लगेगा, सारे मसाले और चटनी उसमें अच्छे से मिक्स हो पाएगी। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा इसको और मैश कर लीजिए। ये रगड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है और अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। मैंने एक डोने के अंदर लिया है ताकि बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसी फीलिंग्स आए। थोड़ी सी चटनी इसके अंदर ऐड करेंगे, पुदीना चटनी, लहसुन की चटनी और इमली की चटनी। ये तीनों चटनियाँ मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने चटनीज का लिंक दिया है, जाकर जरूर देखिएगा। अब इसमें एक पैटी ऐड करेंगे और थोड़ा वापस रगड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। अब वापस सारी चटनियां, पुदीना की चटनी, लहसुन चटनी, इमली की चटनी थोड़ी ज्यादा ऐड कीजिएगा, टेस्ट अच्छा लगता है इसका, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, किसा हुआ कच्चा मैंगो, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। मसाला थोड़ा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, जैसा आपको टेस्ट पसंद है अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। ममरा ऐड किया है, सेव ऐड किया है और बारीक कटा हुआ कोरिएंडर लीव्स। तो रगड़ा पैटीज बिल्कुल तैयार हो गई है। ये चटपटी रगड़ा पैटीज आप भी बनाएं और एंजॉय कीजिए। आपको मेरा वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।